आज जो मिली सेकेंड्स में मैसेजेस सेंड करते हैं जो रातों रात वायरल हो जाते हैं, ये सब सिर्फ आज इस मॉडर्न जमाने में पॉसिबल है, जो आज से कुछ साल पहले इम्पॉसिबल था। हम आज किसी को भी कहीं से भी मैसेज कर सकते हैं, जो आज बहुत से पॉजिटिव वे में हेल्पफुल हो रही है। फिर चाहे वो किसी रियलिटी शो में एज अ वर्ड यूज किया जाए, या फिर किसी को प्रोटेस्ट करने के लिए किसी सोशल मीडिया में एज अ ट्वीट यूज किया जाए, जो आज घर बैठे सिर्फ अपने उंगलियों के टिप से पॉसिबल हो पाया है। तो आज हम इसी इवोल्यूशन ऑफ मैसेजेस के बारे में जानेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें, ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। 1984 में मैसेज एज अ कॉन्सेप्ट फ्रेडहेल्म हिलब्रांड और बर्नार्ड गिल्बर्ट द्वारा डेवलप किया गया था। इसका मतलब कि वर्ल्ड में एरोप्लेन्स और अन्य बहुत से बड़े आविष्कार हो चुके थे, लेकिन मैसेजेस 1984 में तब भी बस एज अ कॉन्सेप्ट खोजा गया था। जो 8 साल बाद 1992 में दुनिया का पहला टेक्स्ट मैसेज भेजा गया नील पेपवर्थ द्वारा रिचर्ड जार्विस को, और वो टेक्स्ट मैसेज था मेरी क्रिसमस। फिर 1993 में नोकिया पहली ऐसी कंपनी थी जिसने पहला GSM मोबाइल मैन्युफैक्चर किया था जो टेक्स्ट मैसेजेस को सपोर्ट करता था। फिर 1994 में रेडियो लिंजा पहली ऐसी कंपनी थी जिन्होंने पहला ऐसा नेटवर्क बनाया कॉमर्शियली जो पर्सन टू पर्सन SMS टेक्स्ट मैसेजिंग सर्विस प्रोवाइड करता था विद लिमिटेड टेक्स्ट पर मंथ। 1995 में क्लिफ कसलर ने पहला ऐसा कीबोर्ड बनाया जिसकी मदद से नंबर्स और लेटर्स भी टाइप किए जा सकते थे, और उसमें सिर्फ 9 नंबर्स ही थे, जिसे टेक्स्ट और 9 कीज कहा जाता था। 1997 में नोकिया ने पहला फोन लॉन्च किया जिसमें क्वाटी कीपैड का यूज किया गया था, और वो फोन था 9000i कम्युनिकेटर, जिसने मैसेजिंग सर्विस को और आसान कर दिया। फिर कुछ सालों बाद 1999 में इट वॉज पॉसिबल टू SMS टू क्रॉस नेटवर्क्स, यानी कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भी SMS कर सकते थे, जो इससे पहले सेम नेटवर्क्स में ही SMS भेजा जा सकता था। ईयर 2000 में वर्ल्ड का पहला मोबाइल न्यूज सर्विस स्टार्ट किया गया फिनलैंड टेलीकॉम द्वारा, जो रीडर्स को करंट इवेंट्स के बारे में SMS भेजता था। फिर कुछ सालों बाद 2003 में टेक्स्ट टू वर्ड सिस्टम इन्वेंट किया गया, यानी कि एक मैसेज की मदद से वोट किया जा सकता था, और यह पहली बार अमेरिकन आइडल में वोटिंग पर्पस के लिए यूज किया गया। फिर 2 सालों बाद यानी कि 2005 में सिम टूलकिट इन्वेंट हुआ, जिसकी मदद से एनहेंस्ड मैसेजिंग सर्विस और वॉइस मेल भेजे और डाउनलोड किए जा सकते थे। 2008 में बराक ओबामा ने अपने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंपेन में पहली बार बल्क मैसेजेस का उपयोग किया। फिर 2009 में व्हाट्सएप का इन्वेंशन हुआ, जिसने आते ही पूरी दुनिया में बहुत ही तेजी से मैसेजिंग सर्विस को एक स्टेप आगे बढ़ा दिया, जो सिर्फ मैसेजेस ही नहीं बल्कि फोटोज और वीडियोस भी भेज सकता था, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ इंटरनेट की मदद से। 2010 में टेक्स्ट एज अ वर्ब कैम्ब्रिज डिक्शनरी में एड किया गया कि टेक्स्ट मीन्स टू सेंड समवन अ टेक्स्ट मैसेज। 2011 में क्लिफ कसलर ने स्वाइप कीबोर्ड इन्वेंट किया, जिसकी मदद से बिना उंगली उठाए सिर्फ स्वाइप या ग्लाइड करने से टाइप किया जा सकता था, जिसने मैसेजिंग और भी सिंपल और आसान कर दिया। और उसी साल वीचैट और स्नैपचैट भी इन्वेंट हुए व्हाट्सएप को कम्पीट करने के लिए। 2013 में टेलीग्राम इन्वेंट हुआ एज अ कॉम्पिटिटर, जिसमें 1 GB तक का वीडियो भी सेंड किया जा सकता था, जिसके इन्वेंशन से मैसेजिंग की दुनिया में एक नया रिवोल्यूशन आ गया, जबकि उस समय व्हाट्सएप पे सिर्फ 16 MB तक का ही वीडियो सेंड किया जा सकता था। और उसी साल व्हाट्सएप में एक और अपडेट आया जिससे वॉइस मैसेजेस भी सेंड किए जा सकते थे। 2016 में WhatsApp में एक ऐसा अपडेट आया जिसकी मदद से PDF या कोई डॉक्यूमेंट भी सेंड किए जा सकते थे और वीडियो कॉल्स भी किए जा सकते थे। और फिर 2017 से लेकर 2020 तक बहुत से ऐसे ऐप्स इन्वेंट हो गए जिसकी मदद से सिर्फ SMS नहीं बल्कि फोटोज, वीडियोस, GIFs, डॉक्यूमेंट्स, यहाँ तक कि मूवीज एंड लाइव लोकेशंस भी सेंड किए जा सकते हैं सिर्फ मोबाइल से अपने उंगलियों के इशारों पे पूरी दुनिया में कहीं से भी किसी को भी। एंड दिस ऑल मॉडर्न टेक्नोलॉजी जस्ट मेड सो इजी एंड फ्लॉलेस दैट वी कैन सेंड मनी ऑल्सो विद जस्ट 1 click यूजिंग अ फोन नंबर। और ये था सिर्फ एक SMS कॉन्सेप्ट से लेकर आज मनी सेंड करने तक का सफर। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।